30 मिनट्स में स्टार्ट हो रही है, चलिए चलो जल्दी। हो हो, आ रही हूँ ना। पता नहीं ये सेल वाली बातें और खबरें कहाँ से लेकर आती है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। आई गो, अ पेनी मतलब पैसे बचाना पैसे कमाने के बराबर होता है। बजी इंग्लिश पोरगी। अंकल अंकल एक्सक्यूज मी, क्या हुआ सुपली? हम ना एक्चुअली मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप हमें लिफ्ट दे दोगे प्लीज? प्लीज थोड़ा दूर दूर दूर। कार है मेरी, कोई टैक्सी नहीं है, तो मैं सबको लिफ्ट देता रहूंगा। और हाँ, वैसे मैंने कल ही से 25,000 रुपए में झाड़ू वाला इंसान से सफाई कराई है। एक्सक्यूज मी, आज को जा देखना, इसे भी ना भगवान की बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। गोपू रुक जा प्लीज, गोपू रुक, गोपू मुझे नहीं आ रही, गोपू छोड़ दे, अरे छोड़। अरे मेरी गाड़ी कैसे कट गई? अरे मेरी गाड़ी बिस्कुट की तरह दो टुकड़ों में कैसे टूट गई? अब तो मेरा रिपोर्ट कार्ड पूरा लालम लाल होने वाला है। अच्छा हुआ ना मम्मी इनके साथ, हमें नहीं बैठा इनकी सेकंड हैंड कार में। अश्कुज, अश्कुज मी, आप तो बेकार हो गए, रिक्शा से जा रहे हैं मार्केट, आपको छोड़ दे। ये समय चक्र देख रही हो तिमनासा, ये हमें बताएगा कि काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर किस समय तक चलेंगी। जब ये परछाई चंद्र बिंदु पर पड़ेगी तब अर्थात ग्रहण शुरू होगा, और जब ये परछाई सूर्य बिंदु पर पड़ेगी तब अर्थात ग्रहण पूरा होगा। यथार्थ ग्रहण अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। जैसे ही इस ग्रहण की काली छाया धरती लोक पर पड़ेगी, हमारी काली शक्तियां शुरू हो जाएंगी। हाँ? मतलब बालवीर का लगाया हुआ सुरक्षा कवच ग्रहण के दौरान बेकार हो जाएगा। काल परी, जरा अपने जादुई आईने में दिखाइए तो सही कि पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है अभी। मैं अपनी शक्ल नहीं आईना जांच रही हूं। अगर इस ग्रहण की किरणें इस आईने से होकर धरती लोक पहुंचेगी तो काल लोक की शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। क्या? देखो तो जरा पृथ्वी कितनी शांत और सुंदर लग रही है, तूफान से आने के पहले की शांति लगती है। बस कुछ पल और फिर यह सुंदरता और शांति चीख पुकार में बदल जाएगी। मैं पृथ्वी जा रहा हूं, अब देखेगी पृथ्वी भयमार की शक्तियों का कहर। अब कैसे बचाएगा बालवीर धरती को? जैसा कि शौर्य ने कहा था, धरती के अंदर छुपी अथाह शक्ति की मदद से मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण कर दिया है। ये रसायन वाष्प क्या है बालवीर? आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था तब धरती आग का गोला थी। बीतते समय के साथ साथ धरती बाहर से तो ठंडी हो गई, आज भी धरती के केंद्र में यथार्थ शक्ति छुपी हुई है जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। उसी यथार्थ शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने इस रसायन वाष्प का
निर्माण किया है। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। परियो, आप अपनी सारी शक्तियों की मदद से मुझ पर हमला कीजिए। इसके नीचे तो हमारी शक्तियां बिल्कुल नाकाम है। और इसी तरह इस रसायन वाष्प की वजह से काल लोक वालों की शक्तियां भी नाकाम हो जाएगी और एतात ग्रहण का समय पूरा होते ही हम इस कवच को धरती पर से हटा देंगे। लेकिन बालवीर, रसायन वाष्प के एक छोटे से बादल से हम पूरी धरती की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस छोटे से बादल को पूरी धरती पर फैलाने के लिए शौर्य खुद धरती पर आ रहे हैं। क्या क्या? अब तिमनासा चाहे कुछ भी कर ले, हम उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। शौर्य, रसायन वाष्प तैयार है, अब आप धरती पर आ सकते हैं। ठीक है बालवीर, मैं अभी धरती पर आ रहा हूं। आने वाली प्रलय से अनजान कितनी शांत है ये पृथ्वी इस वक्त। थोड़ी देर में यहाँ शोर मचेगा, विनाश का शोर। राजा, अगर आप भी आ गया हो तो इस चौपाइये वाहन को नष्ट करके कालों की शक्ति का शुभारंभ शुरू कर दो या धरती लोक पर। जाओ तोबा तोबा, अपनी इच्छा पूरी कर लो। शुक्रिया। शक्ति की कसम, चौपाइये वाहन हो जाओ पतंग। राजा चलिए यहाँ से, कोई जादू वादू नहीं चल रहा यहाँ पे। अरे कौन हो तुम भाई? थोड़ी देर में इस महान की तरह तुम सबकी सांसें भी रुकने वाली है धरती वासियों। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, कोई आपत्ति है? प्रभाव दो पल देरी से शुरू हुआ, वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1,999, 998, मेरा मतलब है 10। कोई फायदा नहीं है परियों, अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ वायु परी। जाओ परियों जाओ, और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है। भागो।
बधाई हो तिमनासा, अथर्व ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। राजा आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों के कर्म की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। तिमनासा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी, बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूं। ये क्या हो रहा है? मैं वीरलोक की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? शौर्य को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ बालवीर, एतिहाद ग्रहण शुरू हो चुका है, हमें रसायन वाष्प लगाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बालवीर, भैमार ने धरती पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हमारी शक्तियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शौर्य, कहाँ है आप? शौर्य जवाब दीजिए। शौर्य से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बालवीर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? परियो, आप चिंता मत कीजिए, मैं शौर्य से मिलने के लिए खुद वीर लोग जा रहा हूं। ध्वनि परी, ज्वाला परी, आप दोनों विमान की सुरक्षा कीजिए, मैं जल्दी ही लौटूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस लेजर की को ठीक करवाना होगा, वरना पता नहीं किस किस चीज की दो टुकड़े हो जाएंगे। विवान, कहाँ थे तुम? मैं खेलने गया था। वैसे मस्ती परी का मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मस्ती परी से बाद में मिल लेना, फिलहाल अंदर जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? अगर है तो मैं तैयार हूँ मदद करने के लिए। विवान, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, फिलहाल तुम घर के अंदर जाओ। ओके। विवान, और प्रॉब्लम से डर जाए। विवान और सलमान किसी से नहीं डरते। अंदर बाहर नहीं। मैं तो यहाँ जूते पहुँचने के लिए रुका था। वो मम्मी कहती है ना कि बाहर की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए। विवान, हो गया? हाँ। अंदर हो गया। जूते साफ, मन साफ, जीवन साफ, साफ जूते, उच्च विचार, जा रहा हूँ मैं अंदर। हाँ। इतना कड़ा पहरा, जरूर कोई सीरियस लोग हैं। मुझे इन परियों की नजर से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए शौर्य, आपको पृथ्वी पर आना है। मैं वीर लोक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ बालवीर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बालवीर, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुमने ही तो मेरी मदद की है। भूल गए तुम्हारा वो रज्जो रण, तुम्हारी वो जादुई रस्सी जिसे मैंने काल लोक में तुमसे छीन लिया था? उसी जादुई रस्सी से मैंने शौर्य को वीरलोक में कैद कर दिया है। अब यथार्थ ग्रहण से पहले शौर्य वीरलोक से बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा तुम्हारे उस रसायन वाष्प का? अब
अभी तो भैमार ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी हैं, बहुत जल्दी धरती पर आतंक की आतिशबाजियां होंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, बस देखते रह जाओगे। परियों को चकमा देना मुश्किल तो है, लेकिन परिया ने तो समझा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर बजाज बता रहे थे कि आपके घर के खाने का टेस्ट किसी 5-स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छा है। ये नया कैरेक्टर कौन है? अरे मैं तो कहता हूँ 5-स्टार नहीं, 7-स्टार होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। जी ऐसा है करुणा जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है शहर के बाहर, 350 वर्कर्स काम करते हैं इसमें, लेकिन इतने लोगों का कहीं अच्छा खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और फैक्ट्री के वर्कर अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट भरा तो दिल हरा भरा। और इसीलिए हम अपनी फैक्ट्री के 350 लोगों के टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट करुणा जी को देना चाहते हैं। क्या बोलिए? नहीं सुनिए, सच्ची? जी हाँ, आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही डिलीवर करने होंगे। दो वक्त का खाना 350 लोगों का, मतलब 700 टिफिन, मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे रे मम्मी, सिक्सर मारने वाली बॉल आई है और आप मैच डिक्लेयर करने की बात कर रही हो। बोलिए करुणा जी, कर पाएंगी ना आप? जरूर कर पाएंगी, 700 लोगों के 7000 लोगों का भी खाना डिलीवर कर पाएगी मेरी मम्मी। वैसे हेलो, मेरा नाम है विवान, करुणा जी का 10-स्टार बेटा। इन्हीं के हाथों का खाना खा खा के मैं तो हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ हूँ। अरे वाह, हेलो विवान बेटा, मैं हूँ मिसेस केतान और ये है मिस्टर केतान। हेलो। लेकिन करुणा जी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हम उनके हाथों का खाना एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, आप लोग इधर ही बैठे रहिए, मम्मी अभी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लाएगी। चलो मम्मी चलो। अरे 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 बोलो, नहीं सुनो, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं विवान? कर लेंगी आप मम्मी, आप विवान की मम्मी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे तो समझ नहीं रहा है विवान, 700 टिफिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। नॉट मम्मी, मैं करूंगा ना आपकी मदद। अभी आप सिर्फ इन दोनों को कुछ अच्छा बना के खिलाने की सोचिए, जाओ। जब बेटा जादू करो तो मम्मी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं मस्ती परी ने तो कहा था कि जादू का इस्तेमाल ओनली परोपकार के लिए करना है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी नहीं है मेरी। एक मिनट मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग 25 लोगों को काम पे रख ले, जो सब्जियां काटते छिलने और मसाले पीसते में आपकी मदद करेंगे, और आप बस हेड शेफ की तरह सब खाना पकाना। 25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और फ्री टाइम का खाना भी ना, और आपके साथ जो और भी लोगों का भला हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है विवान, तू इतना समझदार कब से हो गया? परोपकार करने में बहुत चुक है, ऊपर से शेर सर से रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट डॉट भी मिलेगा, मस्ती परी से शाबाशी भी मिलेगी, और मम्मी से इतना सारा लाड भी मिल रहा है, वो अलग। मस्ती परी, क्या तुमने सुना नहीं है, ग्रहण के दौरान अकेले सहर करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ती परी, गोली है बेचारी, इसे अभी भी यही लगता है कि बालवीर और शौर्य दोनों मिलकर अथार्थ ग्रहण से पृथ्वी को बचा लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। जज्बा। तुम्हारे जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी। कालों की भैरानी तिमनासा और सेनापति के बीच में खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत? भैमार इसे बेवकूफी कहेंगे या हिम्मत?
अर्थात ग्रहण का चमत्कार है ये। तुम जितने हमले मुझ पर करोगी, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे इस अस्त्र में आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी शक्तियां एक एक करके हमें दोगी या एक साथ तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लें। लगता है मस्ती परी जी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। हमें भी इनका वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तिमनासा, बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी।